तो रांची में रहके करो, तुम अपना अलग बिजनेस कर लो एवरीथिंग, बट फाइनली मैं अपने बातों पे खड़ा रहा, उनकी बातों को उनको समझाया, काफी कोशिश किया, फाइनली वो मान गए। सो यस गाइस, फॉर आवर व्यूअर्स गाइस हु वांट टू बिकम अ पायलट और हु इज लाइक हु वांट टू परस्यू अ करियर व्हिच इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम देयर फैमिली ट्री, तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको फैमिली को दिखाना पड़ता है कि यू हैव अ स्ट्रांग स्टैंड, यू आर रियली डेडिकेटेड और डिटरमाइंड, हो अपना 100% दोगे। वंस योर फैमिली इज कन्विंस्ड कि हाँ भाई ये सही में करेगा, ऐसा नहीं ही इज जस्ट यू नो गेटिंग डाइवर्टेड, कुछ दिन करेगा और बीच में छोड़ देगा, देन ऑब्वियसली योर पेरेंट्स विल एग्री एंड गिव यू द चांस टू यू नो परस्यू योर करियर। आई हैव सीन दिस इन लॉट ऑफ यू नो लॉट ऑफ केसेस। सो या Cheers guys, I'm Captain Nipun, your certified flight instructor and a commercial pilot. Today I am in my campus here in Ranchi, Jain Aviation International Ranchi, and aaj hamare saath hai one of the most awaited guests, Captain Ankush Jalan, who is a commercial pilot and is working for one of the reputed airline companies, Flybig Airline. Aaj hum log janenge Captain Ankush se ki unka journey kaisa raha hai. We met like 6 years ago and Ankush, I tell you, is more of a family friend. बचपन में हम लोग साथ ही खेले हैं, साथ ही पढ़े हुए हैं, and then I became his son also, or a trainer also, and I could train him also, and now he's doing great. I am really proud of him. So yes, Ankush. So hello, hello everyone, sir. पहले तो भैया फिर सर, finally आज मैं Flybig Airlines के साथ हूँ आपकी वजह से। आपने मेरे को showed me the way how to become a pilot in a very decent way. Finally, I started my career with Jain Aviation. 6 years back, actually my dream was not to become a pilot, to be true. मैं जाता था क्लब स्विमिंग करने, तो मैंने एक दिन रांची क्लब में देखा पोस्टर इनका, then I thought business तो मैं कर ही रहा हूँ, एक साल हो गए, मन नहीं लग रहा गद्दी में बैठ के अपने, अब मेरे को कुछ और करना है, क्योंकि मेरे से वो बैठ के एक जगह काम करना नहीं होता। सो आई थॉट आई शुड कॉन्टैक्ट हिम, तो मैंने इनको कॉल किया उधर से ही क्लब से कि निपुण सर, एक्चुअली उस टाइम तो भैया थे, तो मैं बोला निपुण भैया आई वांटेड टू जॉइन एविएशन, इसका क्या क्या प्रोसीजर है आप मेरे को सब कुछ डिटेल में बता दो प्लीज एक बार। इन्होंने बोला तू आज के आज मेरे से मिल, एंड देन मैं क्लब से घर गया, चेंज वेंज किया, नाश्ता भी नहीं किया, आई वेंट विद जॉइन एविएशन, आया तो सर आप मेरे को सब कुछ बताओ कैसे पायलट बनते हैं, क्या एक्सपेंस है, क्या फ्लाइंग कितना करना होता है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। गूगल पे मैंने देखा था, बट वो गूगल पे भी चार चीज दिखाते हैं, क्या सही है क्या गलत है पता नहीं चलता। सो ही वॉज माई मेंटर, आज मैं इनके साथ ही हूँ, बहुत बार इन्होंने बुलाया बट मैं लाइब्रेरी के बारे छुट्टी नहीं देते दे दे सर इसे। फाइनली निपुण आप बताइए। Yeah, I remember 6 years ago when Ankush contacted and अंकल के साथ आए थे आप। हाँ, तो अंकल पहले आके पापा से मिले, एंड अंकल वाज लाइक कि तुम्हारे पास ये कैसे आ गया, इसको कहाँ से मिल गया, एंड देन पापा सेड कि नहीं इसका भी वही था, इसको भी दुकान में बैठे बैठे मन नहीं लगता है, क्योंकि वी आर इनटू कन्वेंशनल फैमिली बिजनेसेस आल्सो, एंड सो पापा सेड कि हाँ इट इज अ वेरी गुड करियर, ही हैज जस्ट कंप्लीटेड हिज सीपीएल एंड ही इज अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर नाउ टीचिंग अदर्स हाउ टू फ्लाई and working on their ground school. So then finally we decided ki theek hai, we'll start this same career and this journey for Ankush also, and I think we started with the ground school pehle jisme hum log theory padhna shuru kiye. So I would like to say ki aapka inspiration kya tha, matlab kya aapke dimag mein aaya ki acha theek hai pilot, like you said ki acha you saw a poster and then you were sitting in the shop and you were like you want to go and see the world, or you know कुछ एक डिफरेंट लाइफ में एक स्किल सेट भी होना चाहिए, यू नो इवन आफ्टर 20 इयर्स इफ यू रिटायर यू कैन अगेन गो एंड यू नो सिट इन योर शॉप एंड ग्रो दैट बिजनेस, बट दिस यंग एज विल नॉट कम बैक। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सो दिस इज वन ऑफ बीइंग द सेम रीजंस वेयर यू नो माय डैड गिव मी दिस
option ki acha nipun why don't you become a pilot, you want to do something else, why to you know go abroad and study business, business the same job, right? You want to go abroad, why not, you know, become a pilot. So I think our dads also had similar mindset, we also had similar mindset. Nahi similar nahi tha is baat mein, mere ghar wale kafi against the in the beginning against the on the beginning wo against the ki nahi jab career ho business karo कुछ और करना ही है तो रांची में रहके करो, तुम अपना अलग बिजनेस कर लो एवरीथिंग, बट फाइनली मैं अपनी बातों पे खड़ा रहा, उनकी बातों को उनको समझाया, काफी कोशिश किया, फाइनली वो मान गए। सो यस गाइस, व्हाट आर वी बैक सिंगर नहीं ऐसे बोला नहीं था इस बार में, मेरे घर वाले काफी अगेंस्ट थे इन द बिगनिंग अगेंस्ट थे हम द बिगनिंग वो अगेंस्ट थे कि नहीं जब करियर हो बिजनेस करो कुछ और करना ही है तो रांची में रहके करो, तुम अपना अलग बिजनेस कर लो एवरीथिंग, बट फाइनली मैं अपनी बातों पे खड़ा रहा, उनकी बातों को उनको समझाया, काफी कोशिश किया, फाइनली वो मान गए। सो यस गाइस, फॉर आवर व्यूअर्स गाइस हु वांट टू बिकम अ पायलट और हु इज लाइक हु वांट टू परस्यू अ करियर व्हिच इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम देयर फैमिली ट्री, तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको फैमिली को दिखाना पड़ता है कि यू हैव अ स्ट्रांग स्टैंड, यू आर रियली डेडिकेटेड और डिटरमाइंड, अपना 100% दोगे। Once your family is convinced कि हाँ भाई ये सही में करेगा, ऐसा नहीं he is just you know getting diverted, कुछ दिन करेगा और बीच में छोड़ देगा, then obviously your parents will agree and give you the chance to you know pursue your career. I've seen this in lot of cases. So yeah. Airworthiness, principle of flights, technical. Yeah, technical modules for that. फिर अपना RT, radio calls for that. Yes. फिर और क्या, और एक सब्जेक्ट कोई छूट रहा है स्पेसिफिक, यस स्पेसिफिक अमाउंट सेशन या स्पेसिफिक पेपर, तो मैंने उनके साथ ग्राउंड क्लासेस किया एक्चुअली फॉर गिविंग एविएशन का जो हमारा कमर्शियल पार्ट ऐसे जो पेपर होता है जो क्रिकेट कंप्यूटर नंबर वो भी मुझे नहीं पता था आपको पता है यू नीड अ कंप्यूटर नंबर इनिशियली दैट इज अ रोल नंबर उसी से आपका सारा प्रोसेस होता है सो मैंने कंप्यूटर नंबर कैसे उसका भी बहुत लंबा प्रोसेस है बट हो जाता है ऐसा नहीं कि नहीं है आपको एक फिर लगता है हो जाता है यू नीड डॉक्यूमेंट्स लाइक 10th एंड 12th का यू नो मार्क्स कार्ड एंड देयर वेरिफिकेशन बोर्ड वेरिफिकेशन योर पास सर्टिफिकेट्स योर आधार कार्ड एंड फोटो एंड सिग्नेचर इज स्पेसिफिकेशन ऑफ फोटो पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन दैट इज देयर इन डीजीसीए उसी के हिसाब से फोटो चाहिए आपको एंड यू हैव टू डू सिग्नेचर्स एट मल्टीपल प्लेसेस सो अभी कितना टाइम लगता है मेरा तो 2017 में किया था उस टाइम पे मेरे को लगा था एक दो Yes, अभी भी वही प्रोसेस है, now everything has become online. तो थोड़ा पास हो गया, you apply online and post the documents to DGCA. And after that you just again after your 1 to 2 months, yes, that's a good time to get a job. Sorry, एक दिन मैं भूल गया, उसके पहले you have to do a medical. Class 2 medical होता है initial, मतलब जो हम कराते हैं class 2 medical. You have to be medically fit, means उसमें वो check करते हैं आपका BMI, X-rays वगैरह जो भी होते हैं. क्लब में रोहित भी आते थे जिम इंस्ट्रक्टर अभी कुणाल सर है वो भी आते थे तो मेरे को याद है वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था ना उसका भी एक फोटो आप शेयर करना ठीक है इसमें मेरा Yes, पहले का और अभी अभी का नहीं जब ट्रांसफॉर्म किया था उस टाइम पे बहुत डिफरेंस था हां बहुत डिफरेंस था यस और वो डेडिकेशन था क्योंकि मेरे को पायलट बनना ही था मैं सोच गया था कि कुछ नहीं करना है इसके लिए जो करना पड़े मैं करके रहूंगा मेडिकल गया सब फिट हो गया उसके बाद फिर मेडिकल हो गया उसके बाद कंपनी नंबर आ गया देन आई स्टार्टेड उनके साथ क्लासेस किया मेरे पेपर्स मैंने फर्स्ट पेपर दिया था मेटाड्रैग साथ में ओके मेटाड्रैग एंड स्पेसिफिक अफ सेसना 172 स्पेसिफिक सो देन आई क्लियर्ड दैट टाइम मेट स्पेसिफिक आई क्लियर्ड एंड आई क्लियर्ड मेट आल्सो या मेट आई क्लियर्ड
regulation nahi hua tha, regulation mein required the around 62, so you need to get 70% to the passing. 64 एक बार अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो 3 महीना वेट करो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए. अब तो 1 महीना में बता रहे हैं. हां अब है कि नेक्स्ट मंथ आप दे सकते हैं. देयर इज अ 42 डेज. ये सर यूएस में पहले से रूल था, इंडिया में अब क्या है? नहीं यूएस में तो नेक्स्ट डे दे दो जाके नेक्स्ट डे भी दे सकते हो. हां यूएस इट इज मच मोर फ्लेक्सिबल, बट यहां पे भी अभी है कि 42 डेज का वेट हो जाता है इफ यू आर नॉट क्लियर, तो 2 मंथ्स का एक गैप हो जाता है. कोई बात नहीं. हां अच्छा आप तो कोई भी बट स्टिल इट इज मच मोर इजीियर. यस उसके बाद इसके बाद धीरे धीरे पेपर्स क्लियर हुए, साथ साथ मैंने ज्वाइन भी कर लिया एक, उन्होंने बताया बताया तो उस दिन बहुत खुश था. चलो अब तो अब पायलट बनना है. सो वंस यू क्लियर योर थ्योरी नेक्स्ट इज द फ्लाइंग पार्ट. सो नाउ द फ्लाइंग जर्नी बिगिंस. 200 घंटे उड़ाने पड़ते हैं प्लस जो पेपर्स हैं हमारे 7 पेपर्स हैं. वेट एयर मेट्रोलॉजी, एयर नेविगेशन, एयर रेगुलेशन, टेक्निकल स्पेसिफिक, टेक्निकल जनरल, रेडियो आरटी हमारा जो होता है रेडियो टेक्नोलॉजी आरटीआर, और एक पेपर P68 भी मैंने दिया था क्योंकि मुझे मल्टी भी करना था साथ में. तो मेरे लिए 7 पेपर था, 6 पेपर मेरे सी पेपर था. और फिर लाइक स्टार्ट हुआ, पहले होता है सबसे पहला होता है एयरएक्स. जब आप पहली बार छोटा जहाज में सेसना 172 में आपको एयरएक्स एक्सपीरियंस कराते हैं, उस टाइम मुझे याद है मेरे इंस्ट्रक्टर थे एयरएक्स मेरे को कराया था10-12 घंटे के बाद आपका एक चेक होता है, उसको बोलते हैं पहला चेक होता है, फिर उसके बाद आपका सोलो चेक होता है. फ्री सोलो चेक फर्स्ट इज अ प्री सोलो चेक, प्री सोलो चेक हां, फिर देन अ सोलो चेक. यस तो फिर मैं चेक हुआ, सोलो रिलीज हुआ. सोलो का जो आदमी थे रिलीज किया था कैप्टन संदीप, जो अभी स्पाइस जेट में कैप्टन है. ओके इज अ कैप्टन इन Q400. ओके और फिर मेरे सारे इंस्ट्रक्टर्स जो थे वहां के, मैंने ऑलमोस्ट सबके साथ फ्लाई किया था. कैप्टन हेमा मैम थी, कैप्टन हिमांजली, कैप्टन प्रशांत, कैप्टन जावेद, कैप्टन संदीप, कैप्टन निखिल. निखिल सर अभी इंडिगो में 320 उड़ा रहे हैं, अभी कैप्टन. और फिर और कौन है, और भी कैप्टन कार्तिकी, और भी जितने थे सारे बहुत ही कोऑपरेटिव थे. तो फाइनली मेरा 200 घंटा ऐसे ही लास्ट में चेक होता है, एक GFT डे नाइट जनरल फ्लाइंग टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो हुआ. तो पहले नहीं कंप्लीटेड 200 घंटे हो गए, डीसी में डॉक्यूमेंट सबमिट किए. लेकिन यस सो दैट इज माय डियर देयर नो हेल्प यू विद द प्रोसेस. हो जाता है डीसी में भी काम हो जाता है बिकॉज़ नाउ एवरीथिंग इज ऑनलाइन. हां ऑनलाइन जब से हुआ तब से थोड़ा फास्ट किया है लोगों ने. उस टाइम में तो मेरा लाइसेंस आने में 3 महीने ज्यादा लग गया था. अभी मैं सुना 1 महीने में क्या आ रहा है लाइसेंस, लोगों का 20 दिन में क्या आ रहा है, जिसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर, एकदम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो जिसमें डीसी का कर दो, सारा तुम डॉक्यूमेंटेशन सही से नहीं करोगे गलती हम लोग निकालते होता. कोई बात नहीं. उसके बाद फिर फाइनली लाइसेंस आ गया, सीपीएल जिस दिन हाथ में आया उस दिन फिर से वो खुशी मिला मेरे लिए, जब एयरएक्स हुआ था वो खुशी, और फिर ये सीपीएल हाथ में आने वाला खुशी. ये मैच करना बहुत मुश्किल है. फाइनली लाइसेंस मिला, फिर मैंने इंडिगो का वैकेंसी आया था उसके 2018 में. ओके सो आई अप्लाइड जेएफओ का वैकेंसी दिया, जो अभी भी आया हुआ 20 तारीख को, 30th को मैं जा रहा हूँ एग्जाम देने. ओके अरे नहीं बोल रहा, मैं भी बोल रहा हूँ कोई बात तो उसके लिए एडिटिंग. हाँ नहीं नहीं एडिट कर रहा हूँ, बोल के जो भी करता हूँ आजकल सच बोल के ही करता हूँ, बाद में पता चलेगा कोई फायदा नहीं है. ये सेट होगा अपना, इससे अच्छा है बता के करो, वो भी समझते हैं कि हाँ ठीक है. तो फिर फाइनली लाइसेंस आया हाथ में, उसके बाद इंडिगो दिया
तुम्हारी रिटर्न ही क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम ना रिलीफ में थे, अरे नहीं यार अभी तो लाइसेंस मिला है एंजॉय करना है लाइफ। लेकिन ऐसा नहीं यार, जब भी वैकेंसी आए अप्लाई कर रहे हो, बड़ा एयरलाइन साइड नहीं हो, मैं उस टाइम अगर पढ़ लिया होता ना भैया, आज मेरे उस समय बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट, बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट हो जाता और मेरे पास आज घंटे होते, 9 आवर्स होते अच्छे खासे, वो भी इंडिगो जैसे एयरलाइन में। कोई नहीं, फिर इंडिगो दिया, स्पाइस भी मैंने दिया, स्पाइस में मैं रिटर्न क्लियर किया, कंपास होता उसके बाद हमारा मल्टीटास्किंग होता, कंपास टेस्ट क्लियर किया, उसके बाद हुआ था साइकोमेट्री, साइकोमेट्री टेस्ट होता है वो तो क्लियर किया, उसके बाद फिर होता है हमारा जीडी ग्रुप स्टेशन वो भी क्लियर किया। ओके, उसके बाद होता है हमारा इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू होता है, 4-5 लोग बैठते पैनल में, डीजी से का आदमी कंपनी का, 4-5 लोग थे, मैंने सब एक शॉट पे क्लियर कर लिया, तभी तो मैं फिफ्थ गया, आप फेल हुए तो उस स्टेज से आप बाहर। ओके, तो मैं सब कुछ क्लियर करके इंटरव्यू तक पहुंचा और वो मेरे लाइफ का पहला इंटरव्यू, वो भी किसी एयरलाइन में, मेरे नेक शेक हो रहे हैं। ओके, क्या ही बोलूंगा वहां जाकर के, लेकिन फाइनली अब मेरा नाम आ गया, मैं गया। उनका क्वेश्चन था व्हाई यू वांटेड टू बिकम अ पायलट, तो मैं जो स्टोरी बताया वो स्टोरी उनको बता दिया, तो कुछ थे वो ऐसा नहीं है। ओके, एटलीस्ट पहला बंदा है जो सही बोल रहा है, ट्रूथ। बाकी लोग आते हैं, हाँ हाँ मेरा पैशन था बचपन से पायलट बनना था, मैं उठता था अपने जहाज का आवाज सुना बाहर भागता था, मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं। ओके, फिर फाइनली काम थे स्पाइसजेट का इंटरव्यू में शेक तो कर रहा था, उसके बाद उन्होंने 2-3 क्वेश्चंस पूछे, मैंने आंसर किया, फिर उन्होंने जेप्सन चार्ट्स होता है जो वो निकाल लिया। ओके, चार्ट्स में कुछ कुछ सिंबल्स पूछे, तो मेरे को आधा आते थे आधे नहीं आते थे, नहीं आते थे, नहीं आते थे तो नहीं आते, क्या कर सकते। So yeah, that is the thing guys, ki if you go and fly abroad, so already ये सब training आपको मिलती है। इंडिया में थोड़ा सा, हाँ इंडिया में थोड़ा सा वो मिस हो जाते हैं कुछ चीजें, इसलिए आई रिकमेंड कि फर्स्ट ऑप्शन कीप अब्रॉड, देन इन केस अगर इफ इट डजंट वर्क आउट देन यू चूज इंडिया एज ऑप्शन फॉर दैट, क्योंकि अब्रॉड में ना फ्लाइंग बहुत फास्ट है, फ्लाइंग भी फास्ट है एंड वो एयरलाइन एयरलाइन स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको रेडी करते हैं, 3-4 इंटरव्यूज होता है तब जाके यू गेट द लाइसेंस, योर ओरल बिकम्स वेरी स्ट्रांग। अभी लेकिन इंडिया में भी ठीक हो रहा है, उसके बाद फिर हम स्पाइस भी नहीं हुआ इंटरव्यू में, तो मतलब नेक्स्ट डे मेल आ गया कि सॉरी रिग्रेट, कोई बात नहीं, फिर वेट किया वेट किया वेट किया, एयरएशिया एयरएशिया भी दिया, राजा सर्वम, राजा गणेश, विजय। तो भैया गाइस कि व्हाट इज द प्रोसेस, दैट इज आप जब एक बार ट्रेनिंग कर लेते हैं उसके बाद एयरलाइन इंटरव्यू क्लियर करना इज आल्सो अ वेरी यू नो इंपॉर्टेंट फेज, एंड उसके लिए यू नीड लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ डिटरमिनेशन, उसमें मल्टीपल राउंड्स होते हैं, पहले एज ही सेड इट इज अ रिटन राउंड, रिटन क्लियर करने के बाद कॉम्पस होता है, कंपस होने के बाद यू नो यू हैव अ ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन होने के बाद यू हैव द पर्सनल इंटरव्यू, सो व्हाट इज साइकोमेट्रिक, या देयर इज अ साइकोमेट्रिक टेस्ट आल्सो, दैट इज टफ, या उसमें दे चेक बेसिकली कि आपका दिमाग सही जगह है कि नहीं, नहीं दे विल पुट यू 150 क्वेश्चंस और ऑप्शंस रहेंगे ऐसे, जैसे आई जस्ट गिव एग्जांपल, साइकोमेट्रिक एग्जाम का ही क्वेश्चन सिंपल सा आएगा कि इफ सपोज today your mood is to go for swimming and
randomly on the way you met an accident. But you are still alive, you are fine, your car is damaged. So whether you go for swimming, somehow you return home or you get your car serviced first. ऐसे ऑप्शन आपने मार्क कर दिया है रिटर्न बैक होम. घुमा फिरा के अगला क्वेश्चन आएगा 10 क्वेश्चंस के बाद. ऐसे घुमा फिरा के कुछ आएगा. टुडे योर मूड इज टू गो फॉर बास्केटबॉल. आप कंफ्यूज अगर आपका दिमाग चेंज हो रहा है उसमें ना, वो लोग पकड़ लेते हैं कि अभी इसने बोला कि घर जाऊंगा, अभी ये बोल रहा है कि नहीं मैं बास्केटबॉल खेलने चला जाऊंगा. थोड़ा सा ही तो लगा स्कूटी में या कार में, स्क्रैच तो ही आया है, चले आते हैं खेल के आ जाएंगे घर. तो वो जज कर, वो चेक करते हैं कि आपका दिमाग चेंज हो रहा है कि नहीं. योर mind is in place and you're sticking to your answer or not. ऐसा नहीं है कि आपका you know you are fickle minded basically. ऐसा नहीं है कि you are fickle minded. If you are you know if you are really a strong personality, that is what they check. It's psychometric test. So yeah, that is also a very important part of the interview. Yes. So finally, हम हो गए flagship में select. सब कुछ हुआ फिर हमारा just now then my training started. Training में basically you have to pay some amount for your type rating. Yeah. I won't disclose the amount. So yeah. I have paid the company for the type rating. It was ATR 725. So I went to Paris. Paris mein hamara type rating hua. It is basically 30 days of training, 15 days of ground classes, and 15 to 20 days of sim sessions. Okay. So, you were there around 40 days. Around 40. You can say 38 days. No, more accurate. Okay. बीच में एक दो ऑफ मिलते हैं और आप एक सिप सेशन होता है 4 घंटे का. आपको मैं भी बता रहा हूँ व्यूअर्स के लिए. या 4 घंटे का एक सेशन होता है. यू हैव टू डू 9 सेशंस. उसमें एक लॉफ्ट होता है, लाइन ओरिएंटेड क्लाइंब ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं. और बाकी सिप सेशंस होते हैं 1 से लेके 8 तक. लॉफ्ट होता है, फिर आपका चेक होता है एक IRPPC डे चेक, नाइट चेक. नाइट चेक के साथ होता है हमारा पीपीसी पायलट प्रोफिशिएंसी चेक. ओके, सो यू हैव टू क्लियर एवरीथिंग, देन यू आर आप एक्रेडिटेड हो जाते हैं. फिर वही प्रोसेस, थी से भी डॉक्यूमेंट सबमिट करो, गेट योर लाइसेंस इन लॉज और एटीआर जिस मेरे एग्जांपल. फिर मैंने एटीआर पे एप्रेटिंग हो गया, लाइसेंसिंग में जमा किया, इट टुक अ बिट टाइम बट आ गया 900 का लाइसेंस. देन द कंपनी स्टार्टेड माय ओसीसी चेक होता है. ओसीसी इज बेसिकली आपका एफसेक. एफसेक मतलब एविएशन सिक्योरिटी, जो 7 दिन का होता है हमारा कोर्स. उसके बाद डीजी होता है, डेंजरस गुड्स, वो 1 दिन का ट्रेनिंग है. उसके बाद फायर ड्रिल्स, वाटर ड्रिल्स, वो सब है. और हाँ, टेक्निकल का क्लास होता है, EGTR होता है एक्सटेंडेड. बीइंग अ गुड स्विमर ऑलवेज हेल्प इन दोस वाटर ड्रिल्स, क्योंकि वाटर ड्रिल्स में ज्यादा हम लोग जो मैं बताया ग्रुप था हमारा 6 लोग उस टाइम पे स्विमिंग कर रहा था. मतलब हमारा ड्रिल था 1 2 3 जंप, वही जो होता है एविएशन. तो अच्छा था, तो वो मेरे लिए इजी था. कुछ लोग डर रहे थे क्योंकि जिसको स्विमिंग नहीं आता वो तो थोड़ा सा हां सिर में डरते हैं. बट यू हैव दोस लाइफ रिस्क्स एंड ऑल एंड देन ग्रेजुअली यू बिकम कंफर्टेबल. सो मुझे याद है हमारे इंस्ट्रक्टर थे जो हमारा वाटर ड्रिल स्लाइडर्स कराए थे, वो संदीप कपूर, संजीव कपूर, संदीप कपूर. ओके, वो आज भी थे हमारे एलएनबीएच. हां है. ओके, ही इज आल्सो अ जेम ऑफ अ पर्सन. वो क्या ट्रेनिंग कराते हैं, मतलब एक्चुअल में अगर कभी हुआ भी ना तो हम कर लेंगे. ओके, कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने अंदर. ओके सर, अगर आग लग भी गया जहाज में तो प्रोसीजर तो पता है, मेमो आइटम्स वगैरह करके जहाज कहां से कहां उतारने वो सब हो जाएगा. उसके आगे का जो प्रोसेस है वो उन्होंने ऐसा सिखा दिया कि अब हाँ कॉन्फिडेंस है कि अगर होता भी है तो हम निकल जाएंगे बाहर और पैसेंजर्स भी सेफ रहेंगे. यू कैन इवैक्यूएट द पैसेंजर्स सेफली. सिम थोड़ा डिफिकल्ट होता है एक्चुअली. सिम में हम इमरजेंसी वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, बेसिकली तो वही करते हैं. प्रोसीजर से लेटेस्ट है सिम का जो हैंडलिंग है और एक्चुअल एयरक्राफ्ट का जो हैंडलिंग है बहुत डिफरेंस है. एक्चुअल एयरक्राफ्ट इज मच मच इजी टू फ्लाई, सच में इजी है. यस, सिम इवन फॉर द सेसना सिम यू फ्लाई द सिम. It is a little tough to control, and real aircraft is easy, you know. Yeah. So, उसके बाद फिर base training complete होने के बाद फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हाँ route check होता है. So I went to Patna, route check हुआ. That was also with Captain Rajan. Okay. So we cleared
need root check, cleared my base selling, so then I cleared my root check, so then I started with SLF. Okay. So SLF still not exploded very surface. Okay. Actually, three surfaces. So, okay. SLF, your minimum requirement is 15. Okay. So you have to get 15 seconds. What is like the full form of SLF? Supervised line flying. Okay. Supervised line flying. Okay. Supervised line flying हम जब वो start मतलब मैंने start किया captain एक काफी ज़्यादा safety रहता है उस time अगर आपने कुछ गड़बड़ किया okay तो passengers भी हैं उनका safety ज़्यादा important है हमारा भी important है हाँ obviously so एक safety रहता है एक safety pilot is also there so three people रहते हैं three people अजय ने cockpit okay so once you are done if the captain feels like हाँ now the aircraft is safe to fly with this first officer okay now I don't need the safety okay safety ab nahi chahiye then aapke wo form mein likh dega that P2 is safe to fly okay so now no required the safety bar is not required is not required so abhi main us stage pe rest kar raha hu aur bas yahi hai bhaiya matlab aisa kuch nahi ki tough hai but time taking hai thoda see even if you do a graduation उड़ाना चालू कर दो एज अ फर्स्ट ऑफिसर सो यार 3 इयर्स इज अ वेरी गुड टाइम टू एस्टैब्लिश योर करियर इन कमर्शियल पायलट यस और बताओ और एनी क्वेश्चंस या आवर व्यूअर्स वुड लाइक टू नो लाइक व्हाट इज द बेस्ट पार्ट यू लाइक अबाउट दिस जॉब लाइक मतलब अब जॉब हो गया अब क्या लग रहा है मतलब एविएशन के पहले जो लाइफस्टाइल था अब एविएशन में आने के बाद जो लाइफस्टाइल है एंड लाइक आर यू रियली लाइक लविंग इट और लाइक हाउ इज इट मतलब मेरे गूज बम्स आ रहे हैं सच ही आ रहे हैं ओके लाइफस्टाइल तो पूरा चेंज हो गया पूरा का पूरा ओके किसी के साथ भी सेम खुद के पैर पे जैसे खड़े हो जाते हो उसके बाद अब कॉन्फिडेंस लेवल चेंज हो जाता है किसी से बात आंख मिला करके कर सकते हो डर नहीं लगता मेरे को किसी से जब आप से आंख मिला करके बात करोगे एंड यू नो कि यार ठीक है जैसे गलती होगा मैं बोल दूंगा गलती हुआ है नहीं होगा मैं नहीं मानूंगा नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है एक्जेक्टली इट्स वेरी गुड दैट यू हैव बिकम वेरी डिसिप्लिन्ड एंड टाइम पहले जो हम टाइम को चेज करते थे अब हम टाइम के आगे रहते हैं हां अब नाउ यू हैव टू थिंक अहेड एंड इन एविएशन यू लर्न फ्रॉम अदर मिस्टेक्स आपने सुना ये तो यस यस एविएशन में वही एक अच्छा पायलट जो दूसरों की गलतियों से पहले ही खुद को संभाल लिया यस यू कैन नॉट मेक मिस्टेक्स इन एयर यस यू कैन नॉट मेक नो मार्जिन फॉर एरर्स व्हेन यू आर इन और हमारी ट्रेनिंग इतनी टफ होती है इसके बाद यू कैन नॉट मेक इसलिए दो पायलट होते हैं हाँ exactly. एक भी तोड़ा सकता है हाँ exactly. इसलिए दो लोगों को कॉकपिट में रखा ही जाता है so that additional safety is there and workload भी distribute कर देना और मतलब when did you finally know about these things like crew resource management task management and all these things was it taught back in school he was it taught there नहीं एक्चुअली हमारा in airline CRM का जो क्लासेस होता है ना CRM का ये सारा in the airline मैं OCC बताया ना OCC training होता है तो full form आप मत पूछिए मुझे नहीं पता okay OCC training में CRM भी included okay और ये हर साल renew होता है okay human resource management उसमें कैसे maintain करना है cockpit environment actually this is a very important part of the training we teach this you know at the beginning of the training In any particular moment that you would like to describe during your entire training जो आपका एकदम outstanding moment रहा हो जो आप अभी तक भूल नहीं पा रहे बहुत सारे लेकिन कोई ऐसा moment जो आता है एकदम in a flash जो आप in a flash मेरे दिमाग में ये आ रहा मेरे mom ने डाय थे जब मैं सीटी को बिठा दूँगा okay तो मम्मी पापा को मैं फ्लाइट गया okay so I flew Cessna with one of the captain that time captain Satish था उस टाइम ना शूटिंग भी चल रहा था हमारे टाइम स्कूल में था मॉल का शूटिंग चल रहा था ओके बहुत हेक्टिक आपका नींद आपको सैक्रिफाइस करना होता है ऐसा लगता है लोगों को ना कि अरे यार क्या लाइफस्टाइल है पैसे ही पैसा है ऐसा कुछ नहीं है पैसा है
मैं डिनाय नहीं कर रहा पैसा नहीं है, बट वी आर वर्किंग ए नाइट दिन सुबह रात कभी भी बुला लेते हैं, पूरा स्टैंड बाय होता हमारा, ये भी पूरा तो और बुरा हाल है, पूरा तो एयरपोर्ट स्टैंड बाय होता है हमारा, कम से कम होम स्टैंड बाय होता है, घर पर आराम से रह सकते हैं, एयरपोर्ट जाकर के स्टैंड बाय करते हैं फिर आते हैं, पूरा पूरा तो हुआ नहीं हुआ तो वही बैठे रहते हैं दो चार घंटे फिर घर आए। केबिन क्रू का ना एक चीज मैं बताता हूँ, लोगों को लगता है कि वो सिर्फ खाना वाना सर्व करना ही होता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो उनका थर्ड प्रायोरिटी है, फर्स्ट इज सेफ्टी, फर्स्ट इज सेफ्टी यार। इतने सारे रील्स बनते हैं इंस्टाग्राम में आपने देखा होगा, मतलब कुछ भी लोग बोल दे रहे हैं, फर्स्ट इज सेफ्टी होने के लिए, आज को कुछ होगा ना तब समझ में आएगा किसी को बिना डाउट होता है एविएशन रिलेटेड कॉन्टैक्ट करो, ये विजन कटिंग का पेज इंस्टा पे आप डायरेक्टली मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम कुछ डॉट चला JALAL, आप मेरे को फॉलो करो, मैं फॉलो बढ़ाने को नहीं बोल रहा है ये चीज़, अगर कुछ क्वेश्चन है डाउट्स है आप मेरे को मैसेज करो, हो सकता है मैं मैसेज आपका पढ़ूँ ना पढ़ूँ, लेकिन एक दिन दो दिन के बाद मैं रिप्लाई जरूर करूँ, रीच आउट टू बोथ ऑफ अस फॉर एनी काइंड ऑफ एविएशन डाउट्स एंड क्वेरीज। Thank you guys, it was a great podcast with Ankush. Thank you so much sir. Ciao.